नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथद्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता? और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है, हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में भी बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट इकट्ठा करेंगे। साथियों, दूरदृष्टि के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का नुस्खान राजस्थान ने भी बहुत उठाया है। इस मरुभूमि में कनेक्टिविटी के अभाव में आना जाना कितना मुश्किल होता था ये आप भली भांति जानते हैं। और ये मुश्किल सिर्फ आने जाने तक सीमित नहीं थी बल्कि इससे खेती किसानी व्यापार कारोबार सब कुछ मुश्किल था। आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना साल 2000 में अटल जी की सरकार ने शुरू की थी। इसके बाद 2014 तक लगभग 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। बावजूद उसके देश के लाखों गांव ऐसे थे जहां सड़क संपर्क से कटे हुए थे। 2014 में हमने संकल्प लिया कि हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाकर रहेंगे। पिछले 9 वर्ष में ही हमने लगभग 9 वर्ष में 3.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें गांवों में बनाई। इनमें से 70,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें यहां अपने इस राजस्थान के गांवों में बनी है।